गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द क्रॉप्स इन इंडिया, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप एंड क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो व्हाट इज़ अ इंडस्ट्री? द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्रीज, दैट इज़ नोन एज अ इंडस्ट्री। मैनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, वो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दे आर यूज एज द रॉ मटीरियल टू मेक देम इन टू यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टूल्स और मशीन। टूल्स और मशीन्स के थ्रू उनको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना, जिससे हम उनको हमारी लाइफ में यूज़ कर सकें, उनको खरीदें वहाँ से और फिर यूज़ कर। फिनिश प्रोडक्ट्स आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर अस टू बाय एंड यूज़ देम। फिर हम वहाँ मार्केट से उनको ख़रीदें और हम उनको यूज़ करें। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज। कई क्राइटेरिया में इंडस्ट्रीज क्लासिफाई करी जा सकती हैं, लाइक उनके साइज़ के बेसिस पे, उनकी मशीन्स कितनी यूज होती है उनके बेसिस पे, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इंडस्ट्रीज इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्री। सी, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी होती हैं। दे आर मोस्टली सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स और इन स्मॉल वर्कशॉप, छोटी छोटी दुकानों में या फिर अपने घर पर ही वो ये इंडस्ट्री चलाते हैं। दे रिक्वायर वेरी फ्यू वर्कर्स एंड सिंपल टूल्स, और इसके लिए बहुत ही कम वर्कर्स, कुछ ही एक दो वर्कर्स चाहिए होते हैं, और इनके लिए बहुत ही सिंपल से टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल है, बास्केट है, पिकल्स, जाम, बिस्किट, पॉटरी, क्राफ्ट आइटम्स आर द प्रोडक्ट्स मेड बाय द कॉटेज इंडस्ट्री। आपने देखा भी होगा कि विलेजेस में भी लोग अपने घरों से काम करते हैं, मोस्टली बास्केट वीविंग या फिर पॉटरी का काम, तो वो क्या है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज मोर देन इन द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, पीपल एम्प्लॉय होते हैं। और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग इज डन इन अ स्मॉल स्केल विद स्मॉल मशीन्स। मैनुफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे और स्मॉल मशीन्स के द्वारा होती है, एंड ऑफन ऑन द और अक्सर किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मनी यूज इन अ वे दैट मे अर्न यू मोर मनी। ठीक है, मनी को इस वे में यूज़ करना कि वो आप, जिससे आप और पैसे कमा सकें। इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल, बास्केट, सॉरी बाइसिकल पार्ट, सोप, शैम्पूज, हैंडलूम क्लोथ्स, हाथों से बने हुए जो कपड़े होते हैं, हाथों से बनाते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एज द नेम सजेस्ट, दे आर द बिग इंडस्ट्रीज वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क। ह्यूज मशीन्स आर यूज इन दीज इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन लार्ज क्वान्टिटीज में, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, एंड दे आर लार्जली डेवलप्ड एरिया एज दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये हमेशा डेवलप्ड जगहों पर होती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, दीज ऑल आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, इंडस्ट्रीज नॉट ओनली कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड, बट दे आल्सो गिव जॉब टू मैनी पीपल। सिर्फ रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट्स में नहीं बदलती हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे लोगों को जॉब देती हैं, विच हेल्प कंट्री टू अर्न मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। हमारे प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, उससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। उससे क्या होता है कि जब हम बाहर देशों में सामान अपना बेचते हैं, तो वो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में कुछ मेन इंडस्ट्रीज का लोकेशन देखिए, आपको टेबल दिया होगा बुक में, इंडस्ट्रीज एंड लोकेशंस। आयरन एंड स्टील,
इनकी लोकेशन देखो, जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड, झारखंड में दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में भिलाई, छत्तीसगढ़ में विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, कॉटन टेक्सटाइल मुंबई इन महाराष्ट्र, सूरत इन गुजरात, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, कानपुर उत्तर प्रदेश में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मदुरई इन तमिलनाडु, पुणे ऑटोमोबाइल्स पुणे मुंबई एंड नासिक इन महाराष्ट्र, गुरुग्राम इन हरियाणा, चेन्नई इन तमिलनाडु, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, कोची इन केरला, पानाजी इन गोवा, मुंबई इन महाराष्ट्र, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेंगलुरु इन कर्नाटका, मुंबई इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु, हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशन. सो हियर योर चैप्टर गॉट फिनिश्ड. टुडे वी हैव लर्न अबाउट द इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशंस इन इंडिया. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन, प्लीज आस्क एंड थैंक यू.